हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर क्लासेस। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज डेक, और यू कैन से डीक्यू। बेसिकली डीक्यू क्या होता है इस वीडियो में वो देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डीक्यूस। बेसिकली व्हाट इज अ डीक्यू, कि डीक्यू क्या होता है। अ डीक्यू प्रोनाउंस्ड एज डेक और डीक्यू, यानी कि डीक्यू जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं डेक या फिर डीक्यू, क्या है? एक्चुअली एक लिस्ट है। क्या है? इज अ लिस्ट इन विच द एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और रिलेटेड एट ईदर एंड। इसका मतलब क्या है कि डीक्यू बेसिकली एक लिस्ट है, ऐसी लिस्ट है जिसमें आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड, यानी कि लिस्ट में बेसिकली स्टार्टिंग एंड होता है, एक लास्ट एंड होता है। ठीक है, स्टार्टिंग एंड लास्ट, ठीक है, दोनों एंड से आप इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं, वो होता है बेसिकली डीक्यू। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज अ हेड टेल लिंक्ड लिस्ट, यानी कि डीक्यू को हम हेड टेल लिंक्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ईदर द फ्रंट और यू कैन से हेड और द बैक और यू कैन से टेल एंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम हेड टेल लिंक्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को हम इंसर्ट एज वेल एज डिलीट, हम स्टार्ट और यू कैन से हेड और बैक यानी कि टेल दोनों एंड से हम इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको हेड टेल लिंक्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं। सिंपली एक लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, क्या लिस्ट है सिंपल, ठीक है। ये इसका फ्रंट एंड है या फिर कह सकते हैं हेड है, ये इसका बैक एंड है या फिर कह सकते हैं टेल। इसमें दोनों एंड से आप देख रहे हो इंसर्शन भी हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है, इंसर्शन भी हो रहा है, इधर भी डिलीशन भी हो रहा है, यानी कि सिंपल सा लॉजिक क्या है कि दोनों एंड से आप इंसर्शन भी कर सकते हैं और दोनों एंड से आप डिलीशन भी कर सकते हैं एलिमेंट्स का। दिस इज व्हाट बेसिकली आर डीक्यू। नाउ डीक्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि डीक्यू आगे जाके दो पार्ट में वो डिवाइड होता है। एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, इनपुट एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ठीक है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू में क्या होता है? बेसिकली इंसर्शन एट वन एंड, यानी कि इंसर्शन अगर आप करना चाहोगे किसके अंदर, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू के अंदर, तो आप किसी एक ही एंड से कर सकते हैं, यानी कि या तो आप स्टार्ट एंड से कर सकते हैं या तो बैक एंड से कर सकते हैं। सिंपल, यानी कि सिंपल फ्रंट एंड से करो या तो बैक से करो, या मतलब कि किसी एक ही एंड से पॉसिबल है इंसर्शन, लेकिन डिलीशन आप दोनों एंड से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए लिस्ट है, लिस्ट में इस एंड से इंसर्शन भी हो रहा है डिलीशन भी हो रहा है, लेकिन अब इस एंड से इंसर्शन हो चुका है, यानी कि इस एंड से इंसर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू में यही कहता है कि इंसर्शन आपका एक ही एंड से पॉसिबल है। तो इस एंड से अगर इंसर्शन हो गया तो इस एंड से इंसर्शन नहीं होगा, तो डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है लेकिन इंसर्शन खाली एक ही एंड से हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू क्या होता है? जस्ट इनपुट का उल्टा। इसमें इंसर्शन आप एक एंड से कर सकते थे, इसमें आप डिलीशन किसी एक एंड से कर सकते हैं और इंसर्शन आप दोनों एंड से कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट में देख रहे हो आप इंसर्शन दोनों एंड से पॉसिबल हो रहा है लेकिन डिलीशन किसी एक एंड से, डिलीशन बेसिकली मैंने यहां से दिखाया लेकिन आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही एंड से आप डिलीशन कर सकते हैं एंड इंसर्शन आप दोनों एंड से कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। सो गाइस, आई गेस आपको अच्छे समझ आएगा दैट व्हाट इज डीक्यू, व्हाई इट इज नोन एज हेड टेल लिंक्ड लिस्ट एंड वट आर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। ये सब आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।